हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैपकॉस कंपनी के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट इस कंपनी के स्टेक को सेल करने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, आईपीओरिटीज एंड फाइनेंशियल्स तीनों को कवर अप करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो कि 90% ऑफ द टाइम हम सब लोगों को बताई नहीं जाती और हम सब लोग मिसकंसेप्शन में जी रहे होते हैं। इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक ज़रूर देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैपकॉस कंपनी करती क्या है। वैपकॉस जो है वो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के कंट्रोल में काम करती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के 100% स्टेक को ओन करते हैं। यहाँ पर है सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन। हम सब लोग पता क्या सोचते हैं कि प्रेसिडेंट इन कंपनीज के शेयर्स को ओन करते हैं। प्रेसिडेंट नहीं ओन करते, प्रेसिडेंट के नाम पर इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदा जाता है और ओन किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो बहुत सारी कंपनीज हैं ना, वो प्रेसिडेंट के नाम पर खरीदी गई हैं और ओन की जा रही हैं, ना कि ओनली प्रेसिडेंट ओन कर रहे हैं। अब हम वापस आते हैं वीडियो में। तो वैपकॉस कंपनी एक्सटेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कंसल्टेंसी, प्रोक्योरमेंट एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की, इन फील्ड ऑफ वाटर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट ये जो कंपनी है ना, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ओवर 50 कंट्रीज में पिछले 5 सालों में। करंटली यदि मैं बात करूँ ना, तो कंपनी के पास 455 प्रोजेक्ट्स हैं ओवरसीज में भी और इंडिया में भी, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, फिजी आइलैंड, कैम्बोडिया, बोट्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सो ऑन। अब मैं बताती हूँ आपको दो इंटरेस्टिंग बातें। वो ये है कि करंटली जो है ना, कंपनी टॉप 10 इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म्स में से एक रही है इन फील्ड ऑफ वाटर और अदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि मैं इंडिया लेवल की बात करूं, तो 2017 से लेकर 2021 तक टॉप 5 इंडिया कंसल्टिंग सर्विसेज में ये कंपनी 3rd रैंक अचीव करती आ रही है। तो ये है कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल। अब हम जानते हैं कंपनी की आईपीओरिटीज। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो इस कंपनी का 25% स्टेक सेल करने वाली है, जिसमें वो इशू करेंगे 3.25 करोड़ शेयर्स। ये जो सारा पोर्शन मैंने अभी आपको बताया, वो सारा OFS होगा। OFS का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। अब सोचे होगे कि ये क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, वही अपने शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट कर रहे हैं, ना कि वो न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब आप सब लोग ना मेरी तरह ये सोच तो ज़रूर सोचते होगे कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। पहले एयर इंडिया को टाटा को दिया, फिर LIC को सेल किया, मतलब अब अगेन गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा गवर्नमेंट कर क्यों रही है। तो उसका सिंपल सा रीज़न जो है, वो ये है कि जो हमारा बजट पेश हुआ था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था, उन्होंने बोला था कि वो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो कि रखा गया है 1.75 लाख करोड़ का, उसको पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है ना, गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरेटिव 11.35% से इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी का पैट 14.47% से, और कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है, मतलब कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल सा डेट है। तो ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले, यदि आप आने वाले IPOs में अपनी अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके जरूर देख लेना। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।